लाली भी कोई नहीं था। तो हनुमान जी ने नाम छोड़ दिया, तीन चीजों को छोड़ दिया, नाम रूप और यश। भगवान ने कहा कि अगर तुम अपना नाम छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा दुनिया में इतना नाम कराऊंगा, मेरा नाम तो लोग भूल जाएंगे, सब जगह तुम्हारा ही नाम होगा। आप सर्वे करिए पूरे भारत में, विश्व की तो कोई चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सारे भारत में सर्वे करिए, भगवान श्री राम के जितने मंदिर होंगे उनसे हजार गुने ज्यादा हनुमान जी के आपको मंदिर मिल जाएंगे, हर चौराहे पर, हर नदी के किनारे, हर पुल के पास, जहां कहां सब जगह। बोले ले अपना नाम छोड़, मैं पीछे पड़ाऊ ना तेरे, मैं तेरा नाम। तो जो नाम छोड़ देता है और मारा मारी नाम की हो रही है, मुझे बड़ा शर्म लगता है, मैं तो रोज इसका वो हूँ, भोगी हूँ, भक्त वो हूँ, देखता हूँ मैं तो। कथाओं में कई बार, अब कथाएं बड़ी बड़ी होती हैं तो उनमें कलेक्शन वगैरह, चंदा अधिक अधिक सहयोग सभी लोगों से लिया जाता है, 20-50 लाख का खर्चा होता है। तो पंडाल जो पंडाल बनाता है वो इस तरह से खून खींच लेता है, बड़ी बड़ा महंगा है सब। तो जो अच्छा जो चंदा देते हैं उनकी ठसक बहुत होती है, सबसे लेट आएंगे और सबसे आगे बैठने की कोशिश करके मना भी नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो मैं रोज तमाशा देखता हूँ। जो मंच संचालक बनाए जाते हैं बहुत समझदार व्यक्ति को बनाया जाता है ताकि सबका वो समायोजन कर सके, आदर से सम्मान से नाम लेकर व्यास पूजन अतिथियों का माल्यार्पण आदि सब वो कर सके, तो बहुत समझदार व्यक्ति को ऐसा वो बनाया जाता है। तो लेकिन कई बार भीड़ ज्यादा होती है और नाम ज्यादा होते हैं तो जल्दबाजी में एक आधा नाम छूट जाता है, तो जिसका ही नाम छूट जाता है वो ही लड़ने आ जाता है, चंदा वापस करो मेरा चंदा। सबसे ज्यादा हमने इधर हमारा ही नाम छोड़ दिया, बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन। तो नाम का बहुत झगड़ा होता है, हनुमान जी नाम का झंझट ही छोड़ दिया। कोई हमारा मतलब है, किसी ने पूछा कि आखिर नाम रखने में क्या बुराई, तो बोले क्या करोगे, अरे बोले आपके नाम का स्मरण करेंगे। हनुमान जी का बंदर का भी नाम कोई स्मरण किया जाता है क्या, फिर किसका करें, बोले किसी सुंदर का नाम स्मरण करो। तो पूछ लिया फिर सुंदर कौन है, हनुमान जी ने कहा दो ही नाम सुंदर है, जग में सुंदर है दो नाम, वो जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, वो जग में सुंदर है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जग में सुंदर है सरकार का लो, श्याम सुंदर का लो, भगवान श्री राम का लो, राघवेंद्र सरकार का लो, बंदर का क्या नाम लेना, अपना नाम छोड़ा। हम सब नाम के लिए मरते, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, हनुमान जी ने नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ लिया, रूप बिगाड़, कुरूप हो गए, बंदर रूप ले लिया। किसी की मजाक करनी हो तो यही कहते देखो कैसा बंदर जैसा वो हो गया है, रूप। हम सब लोग सुंदर दिखने के लिए कितने प्रकार के हो, जिनके बाल नहीं है वो भी कंघा रखते,
बड़ा मुश्किल है। दिन भर आदमी की इसी पर पूरी की पूरी ताकत है कि, और मुझे लगता है सर्विस करने वालों की आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल चेहरा चमकाने पर खर्च हो रहा है। कैसे मैं सुंदर दिखाई दूं, और कोई देखने को तैयार नहीं उसके मुंह को, कोई देखने को तैयार नहीं। चलो हनुमान जी ने रूप बिगाड़ दिया। कई लोग शाहजहानपुर के गए तो बैठे मरकट बदन भयंकर दे ढल गए। बोले ये क्या रूप बनाया? बोले क्यों, तुम्हारा क्या मतलब, हम कुछ बनाए? बोले हम तो आपका दर्शन करने आए थे। बोले बंदर का दर्शन किया जाता है, फिर किसका करे? बोले आओ सुंदर दर्शन कराता हूँ, ये बंदर के दर्शन में क्यों पड़ो? हाथ पकड़कर हनुमान जी ले गए अंदर भवन में। बोले वो देखो सुंदर दर्शन करो, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी, 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 और संग में सज रहे संग में सज रही मिथिलेश की पुनारी, और संग में सज रही मिथिलेश की पुनारी, फूलों में सज रही श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज शोभित है किस प्रकार से, सुंदर